स्टार्टिंग में दो बच्चों को दिखाया जाता है जिसमें बॉय बीस्ट बना होता है और गर्ल प्रिंसेस। बॉय सुप्रीटी बताकर किसका लेता है तो गर्ल कहती है कि ये क्या किया, अब मेरा प्रिंस चार्मिंग नहीं आएगा। बॉय कहता है कि मैं तुम्हारा प्रिंस बनूंगा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं तुमसे शादी करूंगा। गर्ल कहती है कि तुम तो मोटे हो, प्रिंस कैसे बनोगे। बॉय कहता है कि मैं बड़ा होकर पतला हो जाऊंगा। दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं। अब वो प्रिंसेस बड़ी हो चुकी है जिसका नाम है समंथा, और शॉपिंग करते हुए देखती है कि एक लड़का जिसका नाम है टॉप दूसरी लड़की से बैडली बिहेव कर रहा है। समंथा आकर कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि ये कौन है। वह कहता है कि एक और पागल। समंथा कहती है कि मेरी फ्रेंड को अभी सॉरी बोलो, क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। उसकी फ्रेंड उसे बोलने से मना करती है। वह कहती है कि क्या तुम्हें इससे डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता, और उसे हिट कर देती है। सब वीडियो बनाते रहते हैं। उसकी फ्रेंड्स उसे वहाँ से ले जाती हैं। वह लड़का उसके पीछे जाता है। उसकी फ्रेंड्स उसे वॉशरूम में ले आती हैं। वे कहती है कि हमें इस तरह छुपने की क्या जरूरत है। उसकी फ्रेंड्स उसे बताती हैं कि हम तो बस टॉप की गर्लफ्रेंड हाशी से बदला लेना चाहते थे, वो बहुत बुरी है। समंथा कहती है कि मुझे इन सब में क्यों खींचा। उसकी फ्रेंड्स कहती है कि हमने तुमसे बीच में आने के लिए नहीं कहा था, हम तो बस उन दोनों का ब्रेकअप कराना चाहते थे। टॉप जैसे स्मार्ट लड़के के साथ हर्षी अच्छी नहीं लगती। टॉप उसे ढूंढता रहता है। उनकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। समंथा कहती है कि मैं तो गई। उसकी फ्रेंड्स उस पर हंसती हैं। नेक्स्ट डे कॉलेज में समंथा का एग्जाम चलता रहता है। टॉप उसे कॉल करके कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो। समंथा चिल्ला कर कहती है कि भाड़ में जाओ और वहीं रहो। सब उसे देखते हैं। टीचर कहती है कि मेरी क्लास में फोन यूज करना मना है, और फोन लेकर कहती है कि एग्जाम पर फोकस करो। टॉप दोबारा कॉल करता है, इस बार टीचर रिसीव करती है। टॉप उसे समंथा समझ कर कहता है कि कुछ सरेंडर कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। टीचर उसे डांट कर कहती है कि मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। टॉप लगे 13 गैंग का लीडर है और अपने गैंग के साथ समंथा के कॉलेज में ही आ जाता है। सब गर्ल्स उन्हें देखकर खुश होती हैं। टॉप सॉरी गर्ल से कहता है कि जो लड़की समंथा का पता बताएगी उसे प्राइज मिलेगा। गर्ल्स पूछती हैं कि प्राइज क्या होगा। टॉप कहता है कि लगे 13 गैंग से 13 केसेस। गर्ल्स बता देती है कि ये यहाँ है। टॉप उसके पीछे जाता है। गैंग का एक मेंबर टॉप का बेस्ट फ्रेंड रेड समंथा को ढूंढ लेता है। समंथा कहती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। रेड कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती। तभी टॉप वहाँ आ जाता है और कहता है कि इसे क्लब लेकर आओ, अगर इसने भागने की कोशिश की तो मार देना। रास्ते में समंथा कहती है कि या ये लोग मेरे पीसेस करके मेरी बॉडी पार्ट्स बेच देंगे, प्लीज गॉड अब तुम्हारे हाथ में है सब। रेड उसे क्लब ले आता है। वहाँ खड़े लोगों को देखकर समंथा चिल्लाने लगती है और कहती है कि इसने मुझे किडनैप किया है। सब हंसकर कहते हैं कि बॉस अंदर वेट कर रहे हैं। रेड उसे अंदर लाता है। समंथा डरी हुई होती है और अंदर आकर टॉप से कहती है कि मैंने जानबूझकर हिट नहीं किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। टॉप उससे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। समंथा मना करके कहती है कि क्या तुम पागल हो। टॉप कहता है कि तुम मना करने वाली होती कौन हो। टॉप रेड को बाहर भेज देता है। वह कहती है कि मेरा नाम समंथा है, समंथा पेरिस। टॉप कहता है कि मुझे चैलेंज मत करो। रेड आकर बताता है कि हम पर अटैक हुआ है। दूसरे गैंग के बॉयज वहाँ आ जाते हैं। टॉप कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें मार दूँ यहाँ से चले जाओ। उनका गैंग लीडर समंथा के साथ फ्लर्ट करता है तो फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सबको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। समंथा डॉक्टर से टॉप की कंडीशन पूछती है। डॉक्टर उसे पेशेंट का पूरा नाम पूछता है। वे कहती है कि मुझे बस टॉप ही पता है। डॉक्टर उसे बताता है कि वह जल्दी ही मरने वाला है, उसे ब्रेन कैंसर है। समंथा उसके रूम में आकर रोते हुए से सॉरी बोलती है। टॉप उसे पुश कर देता है। समंथा कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। रेड पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। समंथा कहती है कि अगर मुझे पहले कैंसर के बारे में पता होता तो मैं तुम्हारी लास्ट विश पहले ही पूरी कर देती। टॉप कहता है कि क्या मैं तुम्हें कैंसर पेशेंट लग रहा हूँ, और उसे स्टूपिड बताता है। समंथा कहती है कि मैंने अपने आंसू वेस्ट कर दिए, और वहाँ से जाती है। टॉप कहता है कि अभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई थी। समंथा कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मरने वाले हो। टॉप कहता है
कि इसमें मेरी गलती है क्या? अब तुम इतनी स्टूपिड हो तो? समंथा मना करती है। टॉप कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो? समंथा उसकी गैंग को देखती है। टॉप कहता है कि अब तुम मेरी हो और तुम्हें एक रूल फॉलो करना है, टॉक बैक एंड यू आर डेड। अगर मुझसे आर्ग्यू किया तो तुम गई। कॉलेज में समंथा ऑड्रे को अच्छा परफॉर्म करने के लिए कांग्रेट्स बोलती है। ऑड्रे कहती है कि क्या तुम जताना चाहती हो कि तुम मुझसे बेटर हो? समंथा मना करती है। वो कहती है कि तुम ऐसी ही हो, नंबर वन बनो और सबको भूल जाओ। समंथा कहती है कि क्या कभी मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? वे कहती है कि मैंने सुना है तुम बैड बॉय टॉप को डेट कर रही हो, क्या परफेक्ट गर्ल्स ऐसा करती है? समंथा कहती है कि मैं बैड बॉय को डेट करूं या गुड बॉय को, वो मेरी प्रॉब्लम है, पहले तुम अपनी एटीट्यूड प्रॉब्लम फिक्स करनी चाहिए। ऑड्रे कहती है कि केयरफुल रहना, कभी नंबर वन से लास्ट पर आ जाओ, और चली जाती है। समंथा अपने फ्रेंड्स को बताती है कि पता नहीं वो मुझसे इतना क्यों चिढ़ती है। वे पूछती है कि उसे तुम्हारे टॉप के बारे में कैसे पता चला। दूसरी बताती है कि रेड टॉप का बेस्ट फ्रेंड है और ऑड्रे रेड की सिस्टर, और ऑड्रे भी टॉप को लाइक करती है। समंथा कहती है कि मेरी लाइफ में एम्बुलेंस कहाँ से आ गए। उसकी फ्रेंड बताती है कि पेंडलटन बॉयज स्कूल टॉप की फैमिली का ही है जिसमें हाई क्लास बॉयज पढ़ते हैं। टॉप को कोई बास्केटबॉल में नहीं हरा सकता और वह मार्शल आर्ट्स में भी परफेक्ट है, किकबॉक्सिंग में भी परफेक्ट है और अंडरग्राउंड फाइटिंग का चैंपियन भी रह चुका है। समंथा कहती है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानी तो मेरी बॉडी किसी नदी में तैरती हुई मिलेगी। तीनों हाँ कर देती है। नेक्स्ट डे सब शॉपिंग करती रहती है। टॉप आकर कहता है कि मुझे पता था तुम यही मिलोगी, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? समंथा मना करके कहती है कि हम तुम्हें शॉपिंग करने आए थे। हर्ष आकर टॉप को साथ में मूवी देखने के लिए कहती है। टॉप कहता है कि मैं मूवी देखने अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा। समंथा उसके साथ चली जाती है। उसकी फ्रेंड्स हर्षी को चिढ़ा कर जाती हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में एक लड़की सबको बताती है कि टॉप ऑड्रे का बॉयफ्रेंड है। समंथा कहती है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है फिर भी मुझे बनाना चाहता है। तभी टॉप के राइवल गैंग वाले आकर समंथा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है टॉप की गर्लफ्रेंड कौन है? समंथा उन्हें ऑड्रे का नाम बता देती है। वे लोग ऑड्रे को किडनैप करके ले जाते हैं। गैंग लीडर टॉप को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे पास है। टॉप कहता है कि अगर उसे टच भी किया तो मार डालूंगा। वह टॉप को मिलने के लिए बुलाता है। टॉप वहाँ आ जाता है और ऑड्रे को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह कहता है कि यही तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। टॉप मना कर देता है और फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑड्रे कहती है कि तुम्हें लगा समंथा है इसीलिए आ गए। टॉप कहता है कि तुम रेड की सिस्टर हो, तुम्हें बचाना भी जरूरी था, और उसे लेकर चला जाता है। उसके बाद टॉप समंथा के घर के बाहर आकर चिल्लाता है। समंथा आकर कहती है कि सीन मत क्रिएट करो वरना पुलिस बुला लूंगी। टॉप पूछता है कि क्या तुमने उन लोगों को बताया कि ऑड्रे मेरी गर्लफ्रेंड है? समंथा मना कर देती है। टॉप कहता है कि झूठ मत बोलो। समंथा पूछती है कि तुम्हारी ये कंडीशन कैसे हुई? टॉप कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम केयरफुल रहना, और चला जाता है। नेक्स्ट डे ऑड्रे स्कूल में सबको बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर मुझे बचाया। समंथा सब सुन लेती है। ऑड्रे उसे देखकर कहती है कि तुम कब तक बॉयफ्रेंड बना रही हो? समंथा कहती है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, और चली जाती है। थोड़ी देर बाद समंथा उससे पूछती है कि क्या तुम सच में टॉप की गर्लफ्रेंड हो? ऑड्रे कहती है कि हाँ बोलूं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वह कहती है कि मुझे बस कंफर्म करना है। ऑड्रे कहती है कि एक्सेप्ट कर लो, लाइफ में पहली बार मैंने तुम्हें हरा दिया है। घर पर टॉप के पेरेंट्स उसे कुछ गर्ल्स के नाम बताकर उसे उन्हें डेट करने के लिए कहते हैं। टॉप कह देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके डैड उसे डिनर पर इनवाइट करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट डे टॉप समंथा के कॉलेज आता है। ऑड्रे आकर कहती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? टॉप समंथा से कहता है कि तुम 10 मिनट लेट हो, जल्दी नहीं आ सकती। समंथा कहती है कि तुम्हें ऑड्रे से बात करनी चाहिए, मुझसे क्यों कर रहे हो? टॉप कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तुम हो, और उसे अपने साथ ले जाता है। समंथा की फ्रेंड्स कहती है कि तुम तो यहीं रह गई। ऑड्रे उन्हें देखती है। टॉप उसके लिए ड्रेस लेकर आता है। समंथा पूछती है कि मुझे इनका क्या करना है? टॉप कहता है कि लोग कपड़े को क्या करते हैं, तुम भी पहनती होंगी। समंथा कहती है कि क्यों पहनना है? टॉप कहता है कि मैंने क्या कहा था, टॉक बैक एंड यू आर डेड, अच्छे से रेडी होना इंसान लगनी चाहिए।
समांथा कहती है कि क्या मैं प्लैटिपस दिखती हूँ, और चेंज करने चली जाती है। समांथा ज्यादा टाइम लगाती है। टॉप कहता है कि तुम क्या कर रही हो। समांथा गेट खोलकर कहती है कि क्या मैं इंसान लग रही हूँ। टॉप हाँ कर देता है। उसके बाद टॉप उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने लाता है और उसे देखता रहता है। समांथा कहती है कि मैं पुलिस बुला लूंगी। टॉप हंसकर कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। टॉप के पेरेंट्स आ जाते हैं। समांथा उन्हें हेलो बोलती है। ये टॉप की स्टेप मदर है। उसके डैड कहते हैं कि टॉप पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को हमसे मिलाने लाया है। समांथा स्माइल कर देती है। उनके जाने के बाद समांथा कहती है कि अगर मैं इन्हें सच बता दूं तो। टॉप कहता है कि ट्राई करके देख लो। डिनर करते हुए टॉप के डैड समांथा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। उसके पेरेंट्स के बारे में सुनकर वे खुश नहीं लगते, क्योंकि वे बिजनेस राइवल्स हैं और उसे किसी और लड़की को डेट करने के लिए कहते हैं। टॉप कहता है कि मैं आपके जैसा नहीं हूँ। आपने मेरी माम को सुसाइड करने पर मजबूर किया। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मेरी माम मरी, आपने मेरी केयर करना भी छोड़ दिया था। और समांथा को वहाँ से ले जाता है। दोनों ड्रिंक करते रहते हैं। समांथा कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स के आगे तो मेरी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। टॉप कहता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। समांथा कहती है कि मैं कितना भी अच्छा कर लूं, मेरे पेरेंट्स मुझे परफेक्ट नहीं समझते। टॉप कहता है कि अब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। समांथा कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। टॉप कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो। मॉर्निंग में टॉप उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। समांथा कहती है कि क्या ये हमारी लास्ट मीटिंग है। टॉप कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। स्कूल में समांथा रोती रहती है, क्योंकि उसे टॉप से सच में प्यार हो गया है, पर मेकअप भी। ऑड्रे कहती है कि अच्छा हुआ, वरना अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलता कि तुम एक क्रिमिनल से प्यार करती हो तो क्या होता। उसे डेट करने से पहले उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो चेक कर लेती और चली जाती है। टॉप रेड को बता देता है कि मैंने समांथा से ब्रेकअप कर लिया है। रेड पूछता है कि क्या तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ। टॉप कहता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। मैंने सामी से प्रॉमिस किया हुआ है कि उसके अलावा किसी और को लाइक नहीं करूंगा। रेड उसे बताता है कि समांथा ही सैमी है। टॉप कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। रेड कहता है कि समांथा का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी याददाश्त चली गई थी। टॉप कहता है कि जिसे मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था वो मेरे सामने है, और मैंने उसे हर्ट भी किया। नेक्स्ट डे समांथा स्कूल से घर जा रही होती है। टॉप के राइवल्स आकर उसे किडनैप करके ले जाते हैं। उनका लीडर कहता है कि टॉप यहाँ आता ही होगा। समांथा कहती है कि वो नहीं आएगा, अब मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तभी टॉप अपने गैंग के साथ वहाँ आ जाता है। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। टॉप कहता है कि मैंने कहा था केयरफुल रहना। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रेड कहता है कि तुम्हें बचाने आए हैं। समांथा कहती है कि स्मोकिंग करने से जल्दी मर जाओगे, और मुझसे तो दूर ही रहो ज़ॉम्बी। टॉप कहता है कि क्या तुम कंप्लेंट्स करना बंद नहीं कर सकती, या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। मुझे गर्ल्स की यही बात अच्छी नहीं लगती। तुम उन्हें बचाओ और उन्हें तुमसे प्यार हो जाता है। समांथा कहती है कि तुम्हारे जैसे क्रिमिनल से किसे प्यार होगा। रेड उसे घर ड्रॉप करने चला जाता है। बाहर आकर वह कहता है कि क्या क्रिमिनल बोलना जरूरी था, वह इतना बुरा नहीं है। समांथा कहती है कि अगर बुरा नहीं है तो मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करता है। रेड कहता है कि वो बस अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, वो तुमसे प्यार करता है। तुमने उसे क्रिमिनल बोल दिया, अब कुछ दिन वह तुम्हारे सामने नहीं आएगा। समांथा कहती है कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। रेड कहता है कि उसे गर्ल्स पसंद नहीं है, क्योंकि उसने 10 साल पहले एक लड़की से साथ रहने का प्रॉमिस किया था, जिसे वो भुला नहीं पाता। नेक्स्ट डे समांथा टॉप से मिलने उसके स्कूल आती है और उसे साथ में बाहर चलने के लिए कहती है। टॉप कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की मेरे जैसे क्रिमिनल के साथ क्यों जाना चाहेगी। समांथा कहती है कि ताकि वो क्रिमिनल बता सके कि वो इनोसेंट है। टॉप स्माइल कर देता है और उसके साथ चला जाता है। कल टॉप का बास्केटबॉल मैच है। समांथा कहती है कि मुझे भी देखना है। टॉप मना कर देता है। समांथा रीजन पूछती है। टॉप कह देता है कि तुम मैच नहीं देख सकती। नेक्स्ट डे समांथा टॉप के सिस्टर के साथ उसका मैच देखने आ जाती है। टॉप उसे देख लेता है और उसके पास आकर कहता है कि मैंने मना किया था ना, क्या तुम स्टूपिड हो। समांथा गुस्से में चली जाती है। रात को वह उसे सॉरी बोलने आता है और उसे किस कर लेता है। समांथा उसे हिट कर देती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और आज से तुम ऑफिशियली मेरी गर्लफ्रेंड हो।
अगर मैंने तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखा तो मार डालूंगा वाइफी और मैं तुम्हारा हॉट हबी। समंता हाँ कर देती है। टॉम स्माइल कर देता है। नेक्स्ट डे रेड अपने सिस्टर को थीम पार्क चलने के लिए कहता है जहाँ टॉप और समंता भी आएंगे। ऑड्रे कहती है कि जहाँ समंता होगी मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। रेड कहता है कि पहले तुम बेस्ट फ्रेंड्स थी। ऑड्रे कहती है कि मैं हमेशा सेकंड ही रहती थी। उसके जाने के बाद मैं नंबर वन बन गई थी। अब वो वापस आ गई है और मुझे दिखाना चाहती है कि मैं सेकंड ही ठीक हूँ। रेड कहता है कि क्या तुम ऐसे रहकर अपने आप को नंबर वन बना पाओगी। सब पार्क जाते हैं। टॉप उन्हें भी बताता है कि समंता मेरी गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ है। जो टेडी बियर टॉप को समंता के लिए चाहिए था वो ऑड्रे का बॉयफ्रेंड जीत लेता है। ऑड्रे कहती है कि दोनों कंपटीशन कर लो, जो जीता टेडी उसका। दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ऑड्रे का बॉयफ्रेंड समंता को पिटी बताता है तो टॉप उसे हिट कर देता है। समंता उसे अपने साथ ले जाती है। समंता ऑड्रे से कहती है कि तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहती हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है? अगर किया हो तो सॉरी। ऑड्रे कहती है कि तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है। समंता कहती है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ऑड्रे उसे हक कर लेती है। टॉप उस लड़के से टेडी बियर वापस लेने आता है और कहता है कि इसकी कैप कहाँ है। वह कहता है कि मुझसे खो गई। रेड उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है। टॉप वहाँ से चला जाता है और समंता को टेडी देने उसके घर आता है। घर पर होता है समंता का कजिन ली। टॉप और ली एक दूसरे को पहले से जानते हैं। टॉप ली से बाहर चलकर बात करने के लिए कहता है। बाहर आकर टॉप कहता है कि तुमने कहा था सैमी जापान में है, मैं उसे ढूंढने वहाँ गया था। ली कहता है कि अगर मैं किसी और कंट्री का नाम लेता तो क्या वहाँ भी चले जाते। टॉप हाँ कर देता है। ली कहता है कि 10 साल हो गए हैं, तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया। टॉप कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। ली कहता है कि मेरी कजिन से दूर रहो। टॉप मना कर देता है और कहता है कि वो मेरी है। ली कहता है कि उसकी शादी पहले ही फिक्स हो चुकी है, उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता और पता चल भी गया तो वो कुछ नहीं कर सकती। टॉप गुस्से में चला जाता है। ली समंता को भी टॉप से दूर रहने के लिए कहता है। समंता कहती है कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। ऑड्रे कहती है कि मुझे रेड ने सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला टॉप को भूल जाओ, समंता दूसरा पूछती है। दूसरा ऑप्शन है साथ में भाग जाओ। समंता कहती है कि हम अभी छोटे हैं। वे कहती है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन चूज करो पर टॉप को हर्ट मत करना। समंता टॉप के घर आती है। टॉप कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। समंता कहती है कि मेरी कजिन ने तुम्हें डराया और तुम डर गए। टॉप कहता है कि मैं कर भी क्या सकता हूँ, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। समंता कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। टॉप उसे अपने आइलैंड वाले घर में ले आता है। रात को वह रूम में सोने आता है तो समंता उसे बाहर सोफे पर सोने के लिए कहती है। टॉप कहता है कि मेरा रूम है, मैं तो यहीं सोऊंगा और उसे गुड नाइट बोल देता है। समंता भी बेड पर ही लेट जाती है और पूछती है कि हम एक दूसरे को कब से जानते हैं। टॉप 3 मंथ्स बताता है। समंता कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। टॉप स्माइल करके उसे सोने के लिए कहता है। समंता कहती है कि अगर तुम्हें 3 विशेज मिले तो वो क्या होंगी। टॉप कहता है कि मेरी पहली विश है तुम मेरा नाम लो। समंता ले लेती है। टॉप उसे थैंक यू बोलकर सो जाता है। समंता बाकी 2 विशेज पूछती है। टॉप कहता है कि कल बता दूंगा। समंता भी सो जाती है। मॉर्निंग में उसकी लकी 13 गैंग भी वहाँ आती है। रेड कहता है कि हमें भूख लगी है। टॉप समंता को देखता है। वह कहती है कि मुझे क्यों देख रहे हो। टॉप कहता है कि क्या तुम मेरी दूसरी विश के लिए रेडी हो। उसके बाद समंता को खाना बनाते हुए दिखाते हैं। टॉप कहता है कि खाना ही तो बनाना है। मेंबर्स रेड से कहते हैं कि अब क्या करेंगे। टॉप तो समंता को लेकर सीरियस है। रेड कहता है कि अगर टॉप समंता को नहीं छोड़ सकता तो हम समंता से टॉप को छोड़ने के लिए कहेंगे। एक कहता है कि क्या हम सही कर रहे हैं। रेड कहता है कि अगर ऐसा ना किया तो उनके साथ इससे भी बुरा होगा। रेड किचन में समंता के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा आज टॉप के साथ लास्ट डे है। समंता कहती है कि मजाक क्यों कर रहे हो। रेड कहता है कि मैं सीरियस हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आ गए हैं और उन्हें पता चल गया है कि तुम टॉप के साथ भागी हो। वे लोग टॉप के पेरेंट्स का बिजनेस बर्बाद कर देंगे। अगर हम तुम्हें कल घर ना लेकर गए तो पेंडल्टन कंपनी खत्म हो जाएगी और टॉप पर भी तुम्हें किडनैप करने का केस फाइल हो जाएगा। तुम डिसाइड कर लो, कल एक हेलीकॉप्टर आएगा और इस बारे में टॉप को ना बताओ तो अच्छा रहेगा।
समंथा रोने लगती है, टॉप बाहर होता है। समंथा उसके पास आती है, टॉप पूछता है कि क्या हुआ। समंथा कह देती है कि कुछ नहीं और उसे हग कर लेती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। टॉप कहता है कि क्या तुम कहीं जा रही हो। उसके बाद सबको डिनर करते हुए दिखाया जाता है। समंथा टॉप को बाहर ले जाती है और पूछती है कि अगर हमें कभी अलग होना पड़ा तो क्या करोगे। टॉप कहता है कि मैं हमारे लिए फाइट करूंगा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें खोने वाला हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो ना। समंथा हाँ कर देती है। टॉप कहता है कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी और उसे हग कर लेता है। मॉर्निंग में समंथा टॉप को सोता हुआ छोड़कर बाहर आ जाती है। उसके कजिन उसे अपने साथ ले जाता है। रेडली से उसका प्रॉमिस याद रखने के लिए कहता है। वह हाँ बोलकर चला जाता है। पर समंथा की मामू उसे डांटती है और कहती है कि अगर ये न्यूज वायरल हो गई तो। समंथा कहती है कि आपको बस अपनी कंपनी और इमेज की पड़ी है। उसके डैड आकर बताते हैं कि वो किडनैपिंग के केस में पहले जेल जा चुका है। ये रहा प्रूफ। समंथा चेक करती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो लड़की समंथा की फ्रेंड थी जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने हर्ट किया था। समंथा टॉप के पास आकर पूछती है क्या ये सच है। टॉप कहता है कि क्या तुमने इस बात पर बिलीव कर लिया। समंथा कहती है कि जो तुम मुझे बताओगे मैं उस पर बिलीव कर लूंगी। टॉप कहता है कि ये न्यूज सच है। समंथा पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। टॉप कहता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। टॉप आगे भी कुछ बताने वाला होता है पर समंथा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में ऑड्रे उसे हिट करके कहती है कि तुमने टॉप के साथ अच्छा नहीं किया, वो तुमसे प्यार करता है और तुम इसे छोड़कर आ गई, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है, और चली जाती है। मॉल में समंथा को उसकी वही फ्रेंड मिलती है जिसे किडनैप किया गया था। वह सबको बताती है कि मुझे थोड़े दिन छुपे रहना था इसीलिए तुम लोगों को कॉन्टेक्ट नहीं किया। समंथा कहती है कि तुम टॉप से छुप रही होंगी क्योंकि उसने तुम्हें किडनैप किया था। वह बताती है टॉप ने मुझे किडनैप नहीं किया था, वो मेरे भाई जैसा है। उसने मुझे मेरे स्टेप फादर से बचाने की कोशिश की थी जो मुझे बहुत मारते थे। टॉप ने मुझे बचाया था पर मुझे साथ ले जाने की वजह से उस पर किडनैपिंग का केस हो गया। समंथा कहती है कि मैंने टॉप को हर्ट कर दिया। वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ उसके पास चलूंगी। टॉप अपनी मॉम के ग्रेव के पास होता है। वह उन दोनों को बात करने के लिए बोलकर चली जाती है। समंथा उसे हग कर लेती है और सॉरी बोलती है। टॉप कहता है कि कोई बात नहीं और उसे अपनी मॉम से मिलवाता है और कहता है कि मॉम इसे घर का कोई काम नहीं आता, वो खाना बनाना भी नहीं जानती। ये लड़की यूजलेस है पर मुझे पसंद है और मुझे पता है आप इसे पसंद करती होंगी। ली उससे कहता है कि तुम भी टॉप से मिलने गई थी। समंथा कहती है कि मुझे पता चल गया है टॉप इनोसेंट है। ली कहता है कि मुझे पता है और तुम्हारे पेरेंट्स को भी। समंथा कहती है फिर उसके बारे में बुरा क्यों बोलते हो। ली उसे बता देता है कि तुम्हारी शादी किसी और से होगी जो तुम्हारे पेरेंट्स पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। हमारे फैमिली ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग तुम्हें फिक्स मैरिज करनी होगी। समंथा कहती है कि मैंने पूरी लाइफ उनके लिए नंबर वन बनने की कोशिश की, वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ली उसे हक कर लेता है। समंथा के पेरेंट्स पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें टॉप भी आता है। समंथा कहती है कि न्यू हेयर कलर तुम्हें सूट कर रहा है। टॉप कहता है कि मुझे सपना आया था कि तुम किसी गोल्डन हेयर वाले लड़के के साथ डांस कर रही हो तो मैंने करा लिए और उसके साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद समंथा की मॉम अनाउंस करती है कि रेड के पेरेंट्स की कंपनीज के साथ हमारी कंपनीज की पार्टनरशिप होने वाली है और रेड की शादी समंथा से होगी। रेड और ऑड्रे शॉक हो जाते हैं। समंथा वहाँ से चली जाती है। रेड टॉप को देखता है और समंथा के पीछे जाता है। समंथा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, टॉप तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज इस शादी के लिए हाँ मत करना। रेड कहता है कि तुम्हारी तरह मुझे भी फोर्स किया जा रहा है, हमारी शादी बचपन में ही फिक्स कर दी गई थी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, सच एक्सेप्ट करना होगा। टॉप आकर उसे हिट कर देता है और कहता है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था। समंथा उसे समझाती है पर वह उस पर भी गुस्सा करता है और चला जाता है। समंथा के पेरेंट्स डिनर पर रेड को बुलाते हैं और समंथा से कहते हैं कि हम क्रिसमस के बाद फ्रेंड्स शिफ्ट हो रहे हैं, तुम अपने स्टडीज रेड के साथ वहीं पर करोगी। स्कूल में लगे 13 का कॉन्सर्ट चलता रहता है। एक मेंबर उसे बताता है कि बाहर कोई तुम्हारा वेट कर रहा है और हमेशा करता रहेगा चाहे जो हो जाए। समंथा बाहर आती है तो वहाँ टॉप होता है। वह कहता है कि क्या तुम मुझे सच में छोड़कर जा रही हो।
समंथा कहती है कि मैं वापस आऊंगी, सब कुछ खुद से डिसाइड मत किया करो। जब भी हम अलग हुए हैं फिर से साथ आए हैं, इस बार भी मैं वापस आऊंगी। टॉप कहता है कि मैं वेट करूंगा। दिखाते हैं 2 साल बाद का सीन। ऑड्रे रेड और समंथा को वापस आने के लिए कहती है। दोनों आ जाते हैं। ऑड्रे उन्हें बताती है कि अभी टॉप का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो गायब हो गया, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। समंथा कहती है कि वो बीच हाउस में होगा। समंथा वहाँ आ जाती है और टॉप को ढूंढती रहती है। रूम में उनके बचपन की वीडियो चलती रहती है जब उन्होंने शादी करने का प्रॉमिस किया था। समंथा को वीडियो देखकर सब याद आ जाता है। रेड ऑड्रे को भी समंथा और टॉप के बचपन के प्रॉमिस के बारे में बताता है और कहता है कि एक्सीडेंट के बाद समंथा प्रॉमिस भी भूल गई थी। समंथा रोती रहती है और बार टॉप के पास आती है। एक्सीडेंट में टॉप की आंखों की रोशनी जा चुकी है। समंथा उसे हग कर लेती है। टॉप कहता है क्या तुम वापस आ गई। समंथा कहती है मैंने वापस आने का प्रॉमिस पूरा कर दिया। टॉप उसे हग कर लेता है।